हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी माँ शेरा वाली तो कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से और दसों गुरुओं की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय माता दी, सत श्री अकाल। आज की वीडियो है मंदिर से रिलेटेड। मंदिर में कितने विग्रह रखने चाहिए, कितनी संख्या में रखने चाहिए और कितना बड़ा उनका साइज होना चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए, तो इसके ऊपर मैं वीडियो एक पूरी शेयर कर रहा हूँ। मैं कब से चाह रहा था वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि जो मुझे मैंने आपको पहले बहुत बार बताया, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मेरा कोई डाउट क्लियर हो जाता है या किसी बात की मुझे नॉलेज पता चलती है तो मैं वो वीडियो जरूर बनाता हूँ। चाहे वो सबको पता हो, फिर भी मैं बना देता हूँ। जरूरी नहीं सबको पता होता है, मेरे को भी नहीं पता था, मुझे लगा ऐसे किसी और को भी नहीं पता होगा जो मेरी तरह बिगनर्स हैं। ठीक है, तो मेरे को जैसे मेरे पास आप सभी आप कहेंगे दूसरों को कह रहे हैं कि जाइए इतने वगैरह नहीं रखने चाहिए और खुद घर में इतने रखे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो सबसे पहली वीडियो थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं जो है सिख धर्म से रिलेटेड हूँ, सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो हमारे घर में सत्संग होते थे, माता रानी की कीर्तन होते थे, मंदिर ये सब कुछ मतलब होता था। हमारे घर में सबको माना जाता है, ऐसा नहीं भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो विग्रह नहीं थे हमारे घर, जो पुराने घर में विग्रह नहीं थे, फोटोज थी, तब मेरी इतनी आस्था नहीं थी। मैं सत्य बोलूँगा, ये नहीं कि विश्वास नहीं था, भगवान पे विश्वास था, पूर्ण रूप से विश्वास। जैसे पूजा पाठ अभी मन लगता है ना, वैसे मेरा नहीं था कि हाँ पूजा पाठ तो करनी ही करनी है, करनी ही करनी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा मेरे स्टार्टिंग हुई आना, उसके बाद जब मैं इस घर में आया, नए घर में, तब मेरे और ज़्यादा जागृत हो गई। तो मैंने धीरे धीरे लक्ष्मी गणेश जी आए, तो लक्ष्मी गणेश जी से सारे आ गए। इसके ऊपर बहुत बड़ी लीला है प्रभु की, तो शायद वो सेवा देना चाहते थे, वो तो आ गया। प्रभु क्या, प्रभु को तो चाहिए उनका भक्त हो, पर हमें अपने भीतर रोल में रहना चाहिए। ठीक है, तो शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। भगवद गीता में भी लिखा है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता है, अपने मनमानी आचरण करता है, अपने मन से कार्य करता है, अपने मन से सब कुछ करता है, उसको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती, भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। ये आपने भगवद गीता में पढ़ा होगा, ये पता नहीं कौन से अध्याय का श्लोक था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मुझे इतना पता ही विग्रह मतलब सॉरी भगवद गीता में लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है घर में कितने विग्रह रखने चाहिए, पहले क्वेश्चन। सो घर में आप एक या दो, इससे ज्यादा विग्रह मत रखिए। मेरी माने तो मेरी नहीं, मेरे जो हमारे घर जो मैंने आपको बताया था ना, कीर्तन लेडी एक है, वो कीर्तन करने आते हैं, तो माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब दिव्य दृष्टि प्राप्त है उनको, मतलब बहुत उच्च कोटि के हैं। तो वो जो आते हैं तो सत्संग सुनाते, सारे प्रवचन भी होते, तो उनमें ही बहुत सारी बातें मैं सीख लेता हूँ, उसी पे वीडियोस में बना देता हूँ। तो उन्होंने बताया ये सब कुछ, तो मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, और खुद खुद मैंने जो पढ़ा भी हुआ है कई बुक्स में या फिर मैंने वीडियोज में भी देखा हुआ है, तो सो दैट मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो घर में ज्यादा विग्रह नहीं रखने चाहिए, जैसे मेरे पास इतने ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे विग्रह की बात हो रही है, तस्वीर की नहीं बात हो रही है। तस्वीर आप जैसी मर्जी और जितनी रख सकते हैं, पर विग्रह की एक लिमिट है, वो है एक या दो। एक क्या, लक्ष्मी गणेश जी का रख सकते हैं, वो तो मेन होते हैं, तो वो आप रखें ही रखें, होने ही चाहिए लक्ष्मी गणेश जी। दूसरा आपके इष्ट, जो आपके इष्ट हैं, जिसपे आपकी ज्यादा आस्था है, जैसे मेरी माता रानी के साथ है तो मैं माता रानी का विग्रह रखूंगा, माँ काली से तो माँ काली का विग्रह, और राधा कृष्ण जी से तो राधा कृष्ण जी का विग्रह है, और लक्ष्मी जी गणेश, तो जिनसे ज्यादा है तो उन्हीं का विग्रह रखें, और उसके अलावा कोई ना रखे। क्योंकि अगर आप एक रखोगे उन्हीं में सभी आ जाएंगे, एक का विग्रह, एक की पूजा करोगे तो सभी आ जाएंगे, एक को बुलाओगे तो सभी आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, अगर आप आपके यहाँ किसी की शादी है, अपने रिश्तेदारों को बुलाना है आपने, तो आप किसी एक को कार्ड देते हो ना, घर के मेन मेंबर को देते हो, कोई भी मेंबर हो, एक को देते हो कार्ड, ये नहीं कि जितने मेंबर्स हैं उन सबको अलग अलग कार्ड देते हो, किसी एक को देते हो ना और फिर सभी आ जाते हैं ना, उसी प्रकार से किसी एक भगवान की पूजा करोगे, किसी एक को निमंत्रण दोगे तो सभी आ जाएंगे, क्योंकि सभी भगवान एक साथ ही चलते हैं, कोई अलग अलग नहीं है भगवान। मैं आपको पहले भी बताया हुआ है, सबने बता सभी धर्मों में बताया जाता है कि भगवान एक ही है, बस रूप अनेक है। तो इसलिए जो आप किसी एक विग्रह की सेवा करोगे, एक भगवान को ध्याओगे, तो सभी भगवान जी आ जाएंगे। वैसे भी किसी एक को ही पकड़िए और एक के पीछे चलिए। ठीक है, जैसे शिवजी जी के भक्त हैं तो शिवजी जी के ही तरफ चलिए।
राधे कृष्ण, राधे राधे, माता रानी माँ के पीछे। तो इसलिए जो एक ही विग्रह रखें इससे ज़्यादा ना रखें, ठीक है। उसके बाद साइज़ की बात करें तो कितने साइज़ होना चाहिए, आपके जो विग्रह जो है, आपके जो हाथ का साइज़ है उससे बड़े नहीं होने चाहिए। जितना आपके हाथ का साइज़ है उतने ही साइज़ के विग्रह आप घर में रखिए, उससे बड़े ना रखें, ठीक है। फिर उनकी सेवा उस हिसाब से, मंदिर जैसे जैसे मंदिरों में सेवा होती है ना, हर तरफ भोग लगता है, बहुत ही बड़े बड़े तो बड़े बड़े आयोजन करने, बड़ी बड़ी पूजाएं करनी पड़ती है, समय अन्य नियम पे हवन करने पड़ते हैं, जगह बड़े बड़े हैं तो आपके, तो उसी प्रकार से सेवा नियम करने, सेवा जितना छोटा विग्रह तो उसके उतने ही छोटे नियम होते हैं विग्रह सेवा के, ठीक है जी। सो जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा जो है हमें रिजल्ट देगा, जितना बड़ा होगा उतनी हमसे सेवा नहीं हो पाएगी, और अगर आगे जाके ऐसा हम जॉब पे लग जाते हैं तो कोई और सेवा करने वाला नहीं है, ठीक है। चलो वो तो भगवान हमारी मान लेंगे मजबूरी पर, हमारे मन में तो आ जाएगा ना। तो इसलिए जो है हमें जो है नियमित रखने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं रखने चाहिए, हमारे हाथ के साइज़ के जितने होने चाहिए, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, क्यों रख लेते हैं ज़्यादा बड़े, तो श्रृंगार नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कभी मत कीजिए, श्रृंगार की वजह से ना विग्रह चेंज कीजिए, एक है एक ही रखें, ठीक है। तस्वीर के लिए आप कोई नियम नहीं है, तस्वीर जितनी मर्जी रख सकते हैं। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय माता दी, बाय गाइज। तो जिन्होंने रख लिए हैं वो तो उनकी सेवा कीजिए, अब जैसे मेरे पास है तो मैं उनकी सेवा करूंगा, ये नहीं कि उनको जल प्रवाहित कराऊंगा मंदिर में रखूंगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास आ गए तो उनकी नियमित सेवा कीजिए जैसे आप पहले से करते हैं, ठीक है। तो कोई भी बात दिल पे मत लीजिएगा, और किसी को अगर हर्ट हुआ तो मैं आपके सॉरी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।